बीकॉटेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 1600 से ज़्यादा पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई थी नवंबर महीने में 2023 में, जिसका फर्स्ट एंड सेकेंड डिवीजन ज्वाइनिंग हो चुका है। फाइनली यहाँ पे थर्ड मेरिट लिस्ट का अपडेट आया था, जिसपे हमने आपको अपडेट दे दी थी 22 मई को यहाँ पे आपका डीवी करवाया जाएगा और जितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हैं उनकी जल्दी यहाँ पे एक लिस्ट जारी की जाएगी। साथ में यहाँ पे विलिंगनेस यानी सम्मति के लिए मांगा गया था पत्र कि जो कैंडिडेट्स करना चाहें, तो आप लोगों ने अगर सम्मति के लिए पत्र भेजा है तो आप लोग वेट कीजिएगा। इस स्लॉट के बाद जो वैकेंसी खाली बचेगी उसमें जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पे भेजा है विलिंगनेस, उनको भी यहाँ पे मेल या कॉल लेटर उनका भी आ सकता है ज्वाइनिंग के लिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपने भेजा है नहीं भेजा है, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा सभी तक पहुंचाने के लिए, और साथ में चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, जिससे आपको सभी तरह की जॉब की अपडेट, अप्रेंटिसशिप की अपडेट एंड इसके साथ साथ पढ़ाई की वीडियो जिस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी, ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन और PDF के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। टेक स्टडी ITI नाम से चैनल है, सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप जुड़ सकते हैं। तो ये नोटिस भी देखेंगे, साथ में मेरिट लिस्ट जो आई है इसको भी देखेंगे, एंड आप लोगों का अगर नाम होता है तो क्या करना है आपको उसके बारे में भी इसी में बात करेंगे। तो ये यहाँ पे लिस्ट आप देख सकते हैं, मेरिट लिस्ट है, थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल है अगेंस्ट एक्ट अप्रेंटिस 2023-24 22 मई को 8 बजे बुलाया गया रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। ये आपका प्रयागराज स्टेशन के पास ही है, वाल्मीकि चौराहा प्रयागराज, यहाँ आपको जाना होगा। अगर आप देखें टोटल कैंडिडेट तो यहाँ पे सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड नाम दिखेगा, ट्रेड आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। कुल आप देखें तो ये इसमें 123 कैंडिडेट्स, जैसा कहा गया था कि 123 कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया गया है, एंड सभी को 22 मई को ही पहुँचना है, 8 बजे तक पहुँचना है, ये चीज़ भी इसमें पहले से क्लियर कर दी गई है। अब अगर बात करें यहाँ पे जो नोटिस आया था पहले इसको देखने की, नोटिस को भी आप देख सकते हैं, नोटिस में भी सेम यही बात जो है बताई गई थी कि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर 1697 स्लॉट के लिए आवेदन किए थे उनका तीसरे स्तर का जो भरा नहीं सीट उसके लिए 123 अभ्यर्थियों की लिस्ट आई, जिनको 22 मई को वहां पहुंचना होगा। एंड इसका जो प्रवेश पत्र है वो भी जल्द ही अधिकृत वेबसाइट जो है ना इस पर अवेलेबल हो जाएगा, आप लोग लॉगिन करके उसे भी यहाँ पे चेक कर पाएंगे। साथ ही विलिंगनेस भेजने की बात हुई थी, आप लोगों ने विलिंगनेस यहाँ पे ज़रूर भेजी होगी, हमने बता दिया था तरीका कैसे भेजना है, एंड उसका हमने वहाँ पर आप सबके साथ शेयर कर दिया था लेटर का PDF भी, उस तरीके से आप लोग भेज सकते हैं, ठीक है। अब कॉल लेटर डाउनलोड करने की अगर यहाँ बात रही, कॉल लेटर डाउनलोड करने का यहाँ पे ये लिंक है बट अभी एक्टिव नहीं है, बहुत जल्द यहाँ पे दूसरा एक लिंक आ जाएगा जिस पे आप लोग क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, यहीं ऊपर ही वो लिंक आएगा, आप लोग ये ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहिएगा, आपको लिंक भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, एंड हम उसे टेलीग्राम पर भी आप सबके साथ शेयर कर देंगे, जिससे आप लोग अपना वहाँ से कॉल लेटर डाउनलोड कर सकें 22 मई वाला, बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर ये जो है यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। अब बात करें जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पे अप्रेंटिसशिप में हो गया है, आप अगर ज्वाइन किए हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो NCR प्रयागराज में अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको रेलवे को सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो CCAs कैंडिडेट्स को मिलते हैं। एंड अभी अप्रेंटिसशिप का अगर देखें तो रेलवे में जो ग्रुप डी में आपको फ़ायदा मिलता है उस फायदे से कहीं ज़्यादा हमको एक फ़ायदा ये दिखता है कि ये अप्रेंटिसशिप आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस के इक्विवेलेंट होता है। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब आती हैं, BEL में हो गया, इवन आपका BML में हो गया, ठीक है, नेवी में हो गया, उन सब में जिसमें ITI के साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो ऐसी जगहों पे आप बड़े अच्छे से एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में अब आने वाले टाइम में कंपटीशन टफ रहने वाला है, हर साल कई लाख छात्र अप्रेंटिसशिप करके निकल रहे हैं और वैकेंसी आएगी हज़ारों में, तो थोड़ा सा उसमें 20% में भी आपको फ़ाइट ज़्यादा करनी पड़ेगी, पहले जैसा नहीं रहा कि पासिंग मार्क ला के आप नौकरी पा जाएंगे। तो वाइजली आप डिसीजन लीजिएगा, अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, बुरा नहीं है, स्टाइपेंड थोड़ा सा कम है बट 1 ईयर एक्सपीरियंस प्लस जो 3 अदर बेनिफिट्स हैं, अगर आपका एज लिमिट वगैरह सब कुछ अलाउ कर रहा है सब कुछ, तो आप अप्रेंटिसशिप रेलवे से कर सकते हैं, बेनिफिट अदर अप्रेंटिसशिप के अपेक्षा ज़्यादा ही यहाँ पे मिलेगा। एंड अगर आप कहीं नौकरी करते हैं जिसमें आपको 10,000 मिलता है, अप्रेंटिसशिप में अगर 8,000 भी मिलता है, तो मेरे हिसाब से आपको रेलवे अप्रेंटिस चूज करनी चाहिए, क्योंकि अब नौकरी भी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस देगी, ये भी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस देगी, बेहतर होगा ये चूज़ करिए। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को हैम्पर मत होने दीजिएगा, अप्रेंटिसशिप के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे जरूर फोकस कीजिएगा, जो भी बचा हुआ समय होगा अगर आप ज्वाइन करते हैं कहीं अप्रेंटिसशिप, तो कम से कम डेली 2 से 3 घंटे अपनी स्टडी के लिए जरूर निकालिएगा। अब बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेस अवेलेबल हैं, आप लोगों को बहाना मारने की जरूरत नहीं कि हम कोचिंग नहीं जा पाते, समय नहीं अलाउ करता, जिस भी समय आप चाहें, आपका स्मार्टफोन आपका साथी, आपकी किताबें आपकी साथी हैं, आप घर पर बैठ के बहुत आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं, बाकी बहाना मारने वालों के लिए बहाना कभी कम नहीं होता है।
तो अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कोई और आपका सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं, ज़रूर हम आपकी हेल्प करेंगे। कॉल लेटर में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो आ जाएगा, बाकी आपके सभी जो क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं, ये सब लगते हैं। मेडिकल फिटनेस यहाँ पे जनरली ज्वाइनिंग के टाइम पे मांगा जाता है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।